हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है कार्बन परमाणु की प्रकृति, उसे जरूर देख लीजिए। अगर आप उसे देखेंगे तभी भी आपको जो है आज की हमारी क्लास जो है वो समझ में आएगी। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कार्बन की श्रृंखला है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा प्राइमरी हाइड्रोजन है, कौन सा सेकेंडरी हाइड्रोजन और कौन सा टर्शियरी हाइड्रोजन है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि इसमें कार्बन कौन से हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो कार्बन है सिर्फ अकेले इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस कार्बन को हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे? प्राइमरी। ओके, इस वाले कार्बन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन एक इससे, एक इससे और एक इससे, तो कितने से जुड़ा हुआ है? ये तीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन। ओके, अब इस वाले को देखिए, ये जो कार्बन है एक इससे और एक इससे, ओके, ये वाला कार्बन सॉरी एक इसके साथ और इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। अब इस वाले को देख लेते हैं, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन। क्या कहेंगे? टर्शियरी, या फिर आप कह सकते हो 3 डिग्री। ओके, अब इस वाले कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन के साथ में देखो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 कार्बन जुड़े हुए, तो उसको हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। ऊपर वाले को प्राइमरी कार्बन, ओके, या प्राथमिक, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ अकेले कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब अकेले से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन। इस वाले कार्बन को भी हम क्या कहेंगे? प्राथमिक, क्योंकि अकेले इससे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को भी हम क्या कहेंगे? प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये भी अकेले से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को क्या कहेंगे? देखो एक अकेले से जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन कहेंगे। इस कार्बन को क्या कहेंगे? इसको भी हम प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन ही कहेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? अकेले इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन तो है नहीं, क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन, अर्थात प्राथमिक हाइड्रोजन क्या है, द्वितीयक हाइड्रोजन क्या है और तृतीयक हाइड्रोजन क्या है, जिसको हम 1 डिग्री भी कहते हैं। प्राइमरी को 1 डिग्री, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री भी कहते हैं। तो देखिए जो कार्बन की प्रकृति होगी, अगर कार्बन प्राइमरी है तो उस पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सारे के सारे भी क्या होंगे? वो प्राइमरी हाइड्रोजन ही होंगे। जैसे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे ना ये, तो तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन हैं वो कैसे होंगे? प्राइमरी। उसी प्रकार से इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? इस कार्बन पर सिर्फ अकेला ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन कैसा होगा? टर्शियरी होगा, अर्थात तृतीयक होगा, या फिर आप कह सकते हो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अगर हम इस बात, इस इन जो हाइड्रोजन है तीनों के तीनों की बात करें, तो ये तीनों के तीनों प्राइमरी होंगे या फिर प्राथमिक होंगे, या कहिए आप 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। तो हाइड्रोजन भी कौन से होंगे? ये तीनों प्राइमरी होंगे। अब इन दोनों हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। जब ये कार्बन 2 डिग्री है तो हाइड्रोजन भी क्या होंगे? 2 डिग्री होंगे, अर्थात द्वितीयक होंगे, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक हाइड्रोजन होंगे। अरे बात समझ में, जब ये कार्बन 2 डिग्री है या कि ये सेकेंडरी है, तो हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? सेकेंडरी होंगे। जब ये कार्बन टर्शियरी है तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा होगा? ये भी टर्शियरी होगा, अर्थात तृतीयक होगा, या कि ये 3 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये वाला कार्बन क्या है? प्राइमरी है, तो इस पर जो तीनों हाइड्रोजन है ये भी क्या होंगे? ये भी प्राइमरी होंगे। ओके, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं, देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन के साथ में, तो इसलिए इस ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो क्वार्टरनरी कार्बन, अर्थात चतुर्थ क्वार्टरनरी कार्बन तो होता है, लेकिन जो चतुर्थक अर्थात क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जब 4 बॉन्ड वो बनाएगा तो वो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? वो बनाएगा किसी भी मिथाइल समूह के साथ में। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन मैं लगा दूंगा तब वो क्या कहलाएगा? वो फिर टर्शियरी कार्बन बन जाएगा, और टर्शियरी कार्बन बनेगा तो वो टर्शियरी हाइड्रोजन बनेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि जो हाइड्रोजन है वो टर्शियरी होता है, क्वार्टरनरी नहीं होता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, जब प्राइमरी कार्बन है ये, तो ये तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? तीनों हाइड्रोजन भी प्राइमरी होंगे। उसी प्रकार से ये वाले हाइड्रोजन भी क्या होंगे? तीनों के तीनों ये भी प्राइमरी होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है। उसी प्रकार से ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? प्राइमरी है, तो हाइड्रोजन भी कैसे होंगे? तीनों के तीनों ये भी प्राइमरी होंगे। अब देख लेते हैं कि प्राइमरी हाइड्रोजन अर्थात प्राथमिक हाइड्रोजन इस श्रृंखला में टोटल कितने हैं। तो देखिए प्राइमरी, एक तो ये रहा कार्बन, दूसरा ये रहा कार्बन, ओके, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पाँचवा ये रहा और छठा ये रहा। आपको पता है एक प्राइमरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हैं। ओके, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? प्राइमरी होंगे। तो 6 है ना ये, तो 6 को आप 3 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6 से 18। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 18। चाहे तो आप काउंट कर लीजिए, ये प्राइमरी कार्बन 3, ये रहे 3, ये रहे 6,
तीन ये रहे 9, ओके तीन ये रहे कितने हो गए 12, 12 3 15, 15 और 3 18, आई थिंक समझ आया होगा। अब देखते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन में देखिए आप, तो देखिए सेकेंडरी हाइड्रोजन की जब सेकेंडरी कार्बन अकेला ये है तो इस पर कितने हाइड्रोजन है, तो ये 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हैं, ओके तो 1 × 2, ओके एक कार्बन पर हैं तो इसलिए वो कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए मैंने एक कार्बन को दिखाया कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। यहाँ पर 6 कार्बन पर थे 3, तो 6 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया था। अब देख लेते हैं टर्शियरी, तो देखो टर्शियरी में आप यहाँ पर देखिए टर्शियरी हाइड्रोजन एक तो ये रहा और एक ये रहा, मतलब कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन ये भी होगा टर्शियरी और ये भी क्या होगा टर्शियरी हाइड्रोजन, और आपको पता है टर्शियरी हाइड्रोजन में सिर्फ उसके पास में क्या होगा एक ही हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन टर्शियरी कितने हैं, 2 हैं, और कितना है एक पर एक है, तो 2 की एक में मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टर्शियरी हाइड्रोजन था जो तृतीयक हाइड्रोजन है या फिर कहिए 3° हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हैं, ओके। आई थिंक आपको जो हमारी आज की वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए आपको सबसे पहले इसको जानने के लिए क्या जानना जरूरी है, आपको पहले जानना जरूरी है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी कार्बन क्या होते हैं, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, ओके बच्चों। तो अगर वीडियो को समझ में नहीं आया, कम समझ में आया, तो आप दोबारा से देख सकते हैं, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन और न्यू एल्केन, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।